द जेंटलमैन, ये एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 60 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एडी की कहानी, जिसके बाप की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस एडी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। और तब एडी को पता चलता है उसके खानदानी घर की जमीन के नीचे छुपे एक बड़े ड्रग एम्पायर का। और तब एडी को सामना करना पड़ता है क्राइम की दुनिया से जुड़े कुछ खतरनाक लोगों का। तो क्या एडी अपने आप को और अपनी फैमिली को क्राइम की दुनिया से दूर रख पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि यह सीरीज स्पिन ऑफ है 2019 में रिलीज हुई फिल्म द जेंटलमैन का। लेकिन ये सीरीज देखने के लिए आपको वो फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। कहानी और कैरेक्टर वाइज इस सीरीज का उस फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं है। आप डायरेक्ट इस सीरीज को आराम से देख सकते हैं। अब रहा सवाल कि मुझे ये सीरीज कैसी लगी, तो देखो ये सीरीज गाय रिची ने बनाई है और गाय रिची क्राइम जॉनरा पर पहले भी कुछ बहुत अच्छी मूवीज बना चुके हैं और उनका एक खास स्टोरी टेलिंग स्टाइल है और उस स्टाइल के बहुत से लोग फैन हैं और मैं भी उनके स्टोरी टेलिंग स्टाइल का एक छोटा सा फैन हूं और काफी इंतजार कर रहा था मैं इस सीरीज के रिलीज का। और अब जब मैंने ये सीरीज देख ली है तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये सीरीज एक माइंडलेस एंटरटेनमेंट है और ओवरऑल एक फन एक्सपीरियंस है। खास तौर पर स्टार्ट इस सीरीज का काफी अच्छा है। शुरू की 2 एपिसोड्स काफी एंटरटेनिंग है, इजीली आपका इंटरेस्ट कहानी और कैरेक्टर्स में डेवलप कर देती हैं। और सिर्फ पहली ही 2 एपिसोड्स को गाय रिची ने खुद से डायरेक्ट किया है। वो दोनों एपिसोड्स काफी अच्छा स्टार्ट है इस सीरीज का। और फिर उसके बाद की एपिसोड्स को अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, लेकिन उन्होंने भी गाय रिची के ही स्टाइल और टोन को आगे कंटिन्यू किया है। लेकिन प्रॉब्लम इस सीरीज की राइटिंग है, ये एक क्लेवरली रिटन शो नहीं है और शुरू की 2 से 3 एपिसोड्स के बाद ही कहानी का मजा फीका पड़ना शुरू हो जाता है। कहानी जरूरत से ज्यादा ड्रैग या स्ट्रेच होती हुई आपको फील होने लगेगी। मेरी नजर में यह सीरीज 6 एपिसोड्स के अंदर इजीली खत्म की जा सकती थी। जो सब प्लॉट्स इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे वो सब प्लॉट्स आपको मेन स्टोरी लाइन में कुछ भी खास ऐड करते नजर नहीं आएंगे। लेकिन 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 अच्छी बात यह है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज के वो फन टू वॉच हैं। कैरेक्टर्स की आपको काफी कलरफुल और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज देखने को मिलेंगी और कैरेक्टर्स की ही वजह से आप इस सीरीज से स्टार्ट टू एंड एंगेज रहेंगे। कैरेक्टर्स आपको इस सीरीज में कुछ फनी सिचुएशन से डील करते जरूर नजर आएंगे। ओवरऑल ये सीरीज आपको कुछ पार्ट्स में जरूर एंटरटेन करेगी। बाकी इस सीरीज में आपको डार्क कॉमेडी का यूज देखने को मिलेगा जो आपको कहीं कहीं थोड़ा बहुत हंसाएगा और कहानी में आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मोस्टली ट्विस्ट इस सीरीज के प्रेडिक्टेबल हैं और एक्शन भी इस सीरीज में बहुत थोड़ा सा है। तो अगर आप सिर्फ एक्शन के लिए सीरीज को देखेंगे तो फिर आप काफी डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन वायलेंस आपको इस सीरीज में जरूर देखने को मिल जाएगा। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी अच्छा है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये सीरीज एक फन टू वॉच एक्सपीरियंस है। अगर आपको क्राइम कॉमेडी शोज देखना बहुत पसंद आते हैं तो फिर आप इस शो को एक बार देखकर अपना काफी अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। बस आपने अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई नहीं रखनी है। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 out of 10। और हां, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। एक छोटा सा सेक्स सीन और न्यूडिटी आपको देखने को मिलेगी और वायलेंस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। एडल्ट लैंग्वेज आपको इस सीरीज में सुनने को मिलेगी। और इस सीरीज की कहानी को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस सीरीज का सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीजन 1 की वो कंप्लीट है। आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इस शो के क्रिएटर्स ने सीजन 2 के लिए डोर्स को ओपन रखा है। वो चाहें तो इजीली इस सीरीज की कहानी को सीजन 2 में आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।